नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। खबरों के अंत में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, जो भी उस सवाल का सही सही जवाब देंगे उन्हें हमारे चैनल की तरफ से एक प्यारा सा गिफ्ट दिया जाएगा। तो कमेंट करने से पहले जो भी इस चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक अवश्य करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं। मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने कांस्टेबल के 4000 पदों पर भर्ती के लिए जारी किया नोटिफिकेशन। 31 दिसंबर से शुरू होगी ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस। मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने पुलिस में सिपाही के करीब 4000 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक इन पदों के लिए 31 दिसंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू होगी। कैंडिडेट्स 14 जनवरी 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया के तहत लिखित परीक्षा 6 मार्च को होगी, जिसमें 2 पदों के तहत भर्ती की जाएगी। कांस्टेबल जीडी में 10+2 प्रणाली के तहत 10वीं की परीक्षा या हायर सेकेंडरी या समकक्ष परीक्षा पास होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए 8वीं पास होना जरूरी है। वहीं कांस्टेबल रेडियो के लिए कैंडिडेट्स को कम से कम 12वीं पास होना चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट्स के पास निम्नलिखित ट्रेड्स में से किसी एक में ITI परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो एंड टेलीविजन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मैकेनिक कंप्यूटर हार्डवेयर, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सभी शामिल हैं। इन पदों के लिए कैंडिडेट्स की उम्र 18 से 33 साल के बीच होनी चाहिए। हालांकि अनारक्षित वर्ग की महिलाओं OBC SC ST वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी। कैंडिडेट्स का सिलेक्शन लिखित परीक्षा और फिजिकल टेस्ट और शारीरिक मापतौल परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। नीतीश कुमार का बड़ा बयान, कहा मुझे नहीं रहना CM, NDA जिसे चाहे बना दे। बिहार के CM नीतीश कुमार ने जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान बड़ा बयान दिया है। उन्होंने रविवार को जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में दो टूक अंदाज में कहा कि मुझे अब CM नहीं रहना, NDA गठबंधन जिसे चाहे बना दे। उन्होंने कहा कि जिसे चाहे बना दे CM, BJP का ही CM हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे किसी पद का मोह नहीं है। नीतीश कुमार के इस बयान ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि मुझे पद की कोई चाहत नहीं, इच्छा नहीं कि पद पर रहें। चुनाव परिणाम आने के बाद मैंने अपनी यह इच्छा गठबंधन के समक्ष जाहिर भी कर दी थी, पर दबाव इतना था कि मुझे फिर से काम संभालना पड़ा। नीतीश ने कहा कि हम स्वार्थ के लिए काम नहीं करते, आज तक हमने कभी भी किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया है। अरुणाचल प्रदेश में जदयू के 6 विधायकों को भाजपा में चले जाने के घटनाक्रम का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि क्या हुआ, अरुणाचल में 6 के जाने के बाद भी वहां जदयू का एक विधायक डटा रहा। पार्टी की ताकत को समझिए, हमें सिद्धांतों के आधार पर ही लोगों के बीच जाना है। नफरत का माहौल बनाया जाता है, हम लोग नफरत के खिलाफ एक एक काम लोगों के लिए हित के लिए किया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे समेत बिहार में मिले 309 कोरोना पॉजिटिव। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। मंत्री कार्यालय ने उन्हें कोरोना होने की पुष्टि की। सोमवार को स्वास्थ्य विभाग ने 97,814 टेस्ट किए, जिसमें चौबे समेत 309 नतीजे पॉजिटिव आए हैं। अश्विनी चौबे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की माताजी के अंतिम संस्कार कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पटना आए थे। इस दौरान वे रविशंकर प्रसाद समेत अन्य नेताओं से भी मिले। स्वास्थ्य में मामूली गड़बड़ के बाद उन्होंने कोरोना की जाँच कराई, जिसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मंत्री चौबे ने आग्रह किया है कि पिछले 2 दिनों के दौरान जो लोग उनके संपर्क में आए हैं वो खुद की कोरोना जांच अवश्य करा लें और आवश्यक सावधानी भी बरतें। इधर स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी दी कि प्रदेश में सोमवार को 97,814 टेस्ट किए गए, जिसमें 309 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके साथ ही राज्य में मिले संक्रमितों की संख्या 2.51 लाख से अधिक हो गई है। हालांकि बिहार में बेहतर रिकवरी दर होने की वजह से अब तक 2.45 लाख संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं। बिहार के किसानों ने सिंधु बॉर्डर पर किया प्रदर्शन, कहा मोदी और नीतीश ने कर दिया तबाह। कृषि बिल के विरोध में कई दिनों से सिंधु बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। इस प्रदर्शन में बिहार के किसान भी पहुंचे। बिहार के सैकड़ों किसानों ने एकता मार्च निकाला। किसानों ने कहा कि इस आंदोलन में एक एक व्यक्ति शामिल है, किसानों के विकास के बगैर देश का विकास संभव नहीं है। बिहार के किसान नेताओं ने कहा कि मोदी और नीतीश ने पहले ही बिहार के किसानों को तबाह कर दिया है। इनके काले कानून ने किसान को मजदूरी करने पर मजबूर कर दिया है। इस नए काले कानून के आने से पूरी तरह से बिहार में किसानी ठप हो जाएगी।
किसान नेताओं ने कहा कि आजादी के पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिस तरीके से तरक्की का मुद्दा बनाकर देश को गुलाम कर दिया था, ठीक उसी प्रकार नरेंद्र मोदी ने झूठ बोलकर के अडानी और अंबानी को देश बेचना चाहते हैं। देश को जब जब जरूरत पड़ा है, बिहार ने कदम कदम में मिलाकर देशित में संघर्ष किया है। इस किसान आंदोलन में भी बिहार पूरी तरह मजबूती के साथ किसानों के साथ है। बीजेपी ऑफिस के बाहर लगे नीतीश मुर्दाबाद के नारे, हत्या के मामले में फंसाने का लगाया आरोप। राजधानी पटना से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगने शुरू हो गए। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने मुस्लिम युवक की ईंट से हत्या के आरोपी नागेश सम्राट की रिहाई की मांग रखी है। लोगों का कहना है कि नागेश सम्राट को साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, इसीलिए पुलिस को उन्हें रिहा कर देना चाहिए। प्रदर्शन कर रहे लोग हिंदू पुत्र संगठन के कार्यकर्ता बताया जा रहे थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के बाद भी लोगों का हंगामा जारी था और लोग नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। बिहार NDA में ऑल इज वेल, मंत्री जीवेश कुमार का दावा, 5 साल चलेगी सरकार। अरुणाचल प्रदेश में जदयू के 6 विधायकों के पाला बदलकर भाजपा में शामिल हो जाने के सवाल पर बिहार में भाजपा और जदयू के नेता असहज महसूस कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला दरभंगा जिले के केवटी में हुआ, जहां बिहार सरकार के पर्यटन, श्रम संसाधन और खनन मंत्री जीवेश कुमार ने इस सवाल पर कहा कि इसका बिहार में कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में रहते हैं और यही से संबंधित सवाल पूछिए। दरअसल जीवेश कुमार कविश्वर चंदा झा सम्मान समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे, जहां उनसे पत्रकारों ने अरुणाचल में हुई जदयू में से जुड़ा सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि बिहार में इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। बिहार में NDA मजबूत है, यहां NDA की सरकार 5 साल तक चलेगी और खूब विकास करेगी। सावधान, शराब पीकर हैप्पी न्यू ईयर बोलना पड़ेगा भारी, जेल में कटेगी रात, सिविल ड्रेस में घूमेंगे सैकड़ों पुलिस वाले। सावधान हो जाइए, नए साल का जश्न मनाते समय अगर आप शराब पीते हुए पकड़े गए तो इस बार आपके न्यू ईयर की पहली रात हवालात में कटेगी। बिहार पुलिस की ओर से इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। गश्ती के लिए 1500 पुलिस वालों की एक स्पेशल टीम बनाई गई है, जो होटल और पार्कों में गश्त करेंगे। शराब पीकर उत्पात मचाने वाले लोगों को विशेष निगरानी रखी जाएगी। पटना के SSP उपेंद्र शर्मा ने सभी थानेदारों को निर्देश दिया है कि वे सभी एहतियात बरतते हुए अपने अपने थाना क्षेत्र में विशेष निगरानी रखें। SSP के मुताबिक दियारा क्षेत्र में भी चौकसी बढ़ा दी गई है। शराबियों को पकड़ने के लिए पुलिस वाले सिविल ड्रेस में गश्ती करेंगे। ये सभी पुलिस वाले 31 दिसंबर की शाम से लेकर 1 जनवरी की शाम तक होटल, पार्क और रेस्टोरेंट समेत सभी सार्वजनिक स्थलों पर सिविल ड्रेस में मौजूद रहेंगे। बिहार सरकार को सम्मानित करेंगे राष्ट्रपति, कोरोना काल में बेहतर कार्य के लिए मिलेगा पुरस्कार। बिहार सरकार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आगामी 30 दिसंबर को डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2020 से सम्मानित करेंगे। यह सम्मान कोरोना काल में बिहार सरकार द्वारा डिजिटल तरीके से लोगों को सहायता पहुंचाने को लेकर किया जाएगा। इस अवार्ड के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों से 6 श्रेणियों में 190 आवेदन किए गए थे, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री, सचिवालय, आपदा प्रबंधन विभाग और NIC को महामारी श्रेणी में विजेता चुना गया है। 30 दिसंबर को दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सम्मानित करेंगे। बिहार के लिए मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत और अपर सचिव रामचंद्र डू के साथ NIC के शैलेश कुमार श्रीवास्तव व नीरज कुमार तिवारी यह सम्मान ग्रहण करेंगे। बिहार में डॉक्टरों की हड़ताल जारी, प्रधान सचिव से मिलेंगे PMCH के सुपरिटेंडेंट, 24 घंटे में हॉस्टल खाली करने का निर्देश। बिहार में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल लगातार 6ठे दिन भी जारी है। हड़ताल का कोई नतीजा अब तक नहीं निकला है। डॉक्टरों की हड़ताल के कारण मरीजों की हालत खराब है, इसीलिए इलाज नहीं हो पा रहा है। PMCH प्रशासन ने हड़ताल में शामिल डॉक्टरों को 24 घंटे के अंदर हॉस्टल खाली करने का निर्देश दिया है। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन की अब तक कोई बातचीत प्रशासन से नहीं हुई है। वार्ता के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्राचार्य और अधीक्षक को अधिकृत किया गया है, लेकिन हड़ताली डॉक्टर उनसे बात करने को तैयार नहीं। डॉक्टरों हड़ताल को लेकर PMCH के अधीक्षक डॉक्टर विमल कारक सोमवार को स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत से मिलने वाले हैं। ठंड से ठिठुरा बिहार, गया सबसे ठंडा, पटना में डे कोल्ड कंडीशन। राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में ठंड का प्रकोप एकाएक बढ़ गया। पटना में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री से नीचे जा पहुंचा। पटना का न्यूनतम तापमान
सोमवार को 5.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि गया सबसे ज्यादा ठंडा रहा है। गया का न्यूनतम तापमान 4.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जबकि पूर्णिया 8.6 और भागलपुर 9.2 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक अगले कुछ दिनों में पारा और नीचे जाएगा। दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है, जबकि रात का तापमान अगले दो दिनों तक इसी के आसपास में बना रहेगा। कोहरे की मार फिलहाल देखने को नहीं मिलेगी। अगले दो दिनों तक बिहार के ज़्यादातर इलाकों में कोहरे से राहत रहेगी। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। ये रहा आज का सवाल, बिहार दिवस कब मनाई जाती है? अपना जवाब हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।